हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल सीक्रेट सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल सीक्रेट सेटिंग के बारे में। हमें पता है बहुत सारे बंदों को ये वाली सेटिंग नहीं पता है, और बहुत सारे बंदों को ये वाली सीक्रेट सेटिंग पता है लेकिन वो इनेबल नहीं करते हैं। तो अगर आप लो डिवाइस में खेलते हैं 1GB 2GB 3GB रैम में, तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट मोबाइल सेटिंग के बारे में, जो कि डेवलपर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जितने सारे अच्छे प्लेयर होते हैं उनका एक्यूरेसी काफी अच्छा होता है, जिससे उनका बॉडी शॉट बहुत ज्यादा कम लगता है और हेड शॉट ज्यादा लगता है। बात तो सही है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आपको आ जाना है यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको MI वर्जन पे यहाँ पर 7-8 बार क्लिक कर देना है, जिससे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा भी ऑन हो चुका है। और अब हम यहाँ पर चले जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नीचे करना मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में आपको आने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाएगी 4X MSAA। यहाँ पर इसको अनेबल कर लेना, इससे यहाँ पर आपका ग्राफिक्स जो होगा काफ़ी कमाल का यहाँ पर दिखेगा और आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। डेवलपर ऑप्शन में सबसे नीचे यहाँ पर चले जाना है, आपको एक सेटिंग मिल जाएगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमको मिल चुके हैं बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इससे होगा क्या, जितने सारे आपके यहाँ पर ऐप यहाँ पर बैकग्राउंड में चलते होंगे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, जिससे आपका जरा सा भी लैग नहीं होगा मोबाइल, और यहाँ पर आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा। यहाँ पर लैग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये वाली सेटिंग जरूर से जरूर अनेबल करना चाहिए अगर आप 1GB 2GB 3GB रैम में खेल रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। तो आपको यहाँ पर फिर से आ जाना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा विंडो स्केल एनिमेशन करके। तो यहाँ पर आपको एक आपका सेलेक्ट होगा 0.5X कर देना है। यहाँ पर आपका टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम 10 करके देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने 10 कर दिया, देखो कितना ज़्यादा लेट यहाँ पर हमारी विंडो खुल रही है। और फिर से हम 0.5X कर देते हैं। 0.5X करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत हमारा टच जो है काम करने लगता है। यहाँ कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पर ग्लूवाल हम लगाते हैं, ग्लूवाल लगता ही नहीं है और एनिमी मार के चला जाता है, और कभी कभी तो फायर ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाली सेटिंग करके आप लोग जरूर देख लेना। तो अगली सेटिंग में बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर से जरूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग होगा DPI करके। तो यहाँ पर DPI मेरे 392 है, तो यहाँ पर हम 399 कर लेंगे। तो आप भी अगर 4GB रैम में खेल रहे होंगे तो 399 आपको कर लेना। अगर आप 2GB 3GB रैम में खेल लेंगे, अगर आपका फ़ोन का DPI 360 है तो आपको 380 रख लेना है। जी हाँ, इससे आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ोन भी ख़राब हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 380 ही कर लेना है। तो हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट सेटिंग की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको जरा सा भी मिस मत करना। ओके आपको फिर से आ जाना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर गेम टर्बो सर्च कर लेना है। गेम टर्बो में आने के बाद यहाँ पर फिर से गेम टर्बो में चले जाना है, और यहाँ पर अपना गेम सेलेक्ट कर लेना है, जो कि फ्री फायर मैक्स है। फ्री फायर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पे आप लोगों को क्लिक करना है और एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे चले जाना है। फिर यहाँ पर फ्री फायर में जाने के बाद यहाँ पर टच रिस्पॉन्स को 100 कर देना है और सेंसिटिविटी को भी 100 कर देना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर लॉन्च पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी यहाँ पर सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो गन का रिकॉइल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।